गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। आज ईवीएस सब्जेक्ट में चैप्टर 4 पढ़ेंगे आवर फूड। आवर फूड यानी होता है हमारा भोजन। हम क्या खाते हैं प्रतिदिन में, हमें किससे कौन से प्रोटीन्स मिलते हैं, कौन सा बैलेंस डाइट होता है और हमें प्रतिदिन यानी एवरीडे हमें कितना ग्लास पानी पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक एवरीडे 8 ग्लास है ना वाटर। तो इस तरह से हमें पढ़ेंगे। We all eat food। हम सब क्या करते हैं, खाना खाते हैं। We need food to live and grow। हम खाना किसमें मदद करता है, live जिंदा रहने में, grow बढ़ने में। Food gives us energy। Food जो हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है to work and play। To work and play यानी हमें ऊर्जा देता है किसके लिए, काम करने के लिए और खेलने के लिए। Food helps us to grow strong and stay healthy। और खाना खाने से हमारा जो शरीर है क्या रहता है, मजबूत और स्वस्थ रहता है। We eat different type of food। भोजन जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। We eat food like rice। हम अलग अलग तरह के भोजन खाते हैं यानी राइस, दालें, चावल, पल्सेस, दालें, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, फ्रूट्स यानी फल और मिल्क यानी दूध, एग यानी अंडा, इटीसी। अलग अलग टाइप्स के और भी भोजन होते हैं। We get our food from plant and animals। हमें भोजन कहाँ से मिलता है, पौधों से और एनिमल्स से। वी गेट राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स। हमें चावल, दालें, सब्जियां और फल किससे मिलते हैं, प्लांट्स से। वी गेट मीट, एग, मिल्क, कर्ड एंड चीज फ्रॉम एनिमल्स। और हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है, मीट मिलती है, एग अंडा मिलता है, मिल्क दूध मिलता है, कर्ड यानी दही और चीज यानी पनीर मिलता है। ठीक है, मिल्क इज ए कम्प्लीट फूड। दूध जो है हमारे फूड को क्या करता है, हमारे भोजन को कम्प्लीट करता है। इट मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। वो हमारे बोन्स, हमारे हड्डियों को और हमारे दांतों को मजबूत बनाता है। वी कैन मेक चीज एंड कर्ड फ्रॉम इट। और दूध से क्या क्या बनता है, चीज और कर्ड, दही और पनीर की चीज बनता है। अब मील्स, हमें कितने टाइम में भोजन करना चाहिए। वी ईट 3 मील्स इन डे। हमें दिन में 3 बार भोजन करना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। हम ब्रेकफास्ट कब करते हैं, इन द मॉर्निंग यानी सुबह में हम ब्रेकफास्ट नाश्ता करते हैं। ईट लंच इन द आफ्टरनून। लंच कब करते हैं, आफ्टरनून यानी दिन में। वी ईट डिनर एट नाइट। और हम डिनर जो करते हैं, जब रात्रि का भोजन करते हैं, उसको डिनर कहा जाता है। गुड फूड हैबिट्स। अब खाना खाने की कुछ अच्छी सी आदतें हैं उसके बारे में बताती हूँ। गुड फूड हैबिट्स मेक अस हेल्थी। जो हम खाना खाते हैं अच्छी आदत, वो क्या करता है, हमारे शरीर को हेल्थी रखता है। फॉलो द रूल्स गिवन बिलो। आपको हमेशा भोजन की जो हैबिट्स है उनके रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अब वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। आपको क्या करना चाहिए, वॉश आवर, सबसे पहला पॉइंट बताती हूँ मैं आपको, वॉश आवर हैंड्स before and after eating food। यानी आपको खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में क्या करना चाहिए, अपने हैंड वॉश करने चाहिए। फिर सेकंड है, chew the food properly। आपको हमेशा प्रॉपरली यानी आपको खाने को छू यानी चबाओ ना होता है, आपको प्रॉपरली खाने को चबाकर फिर खाना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ड्रिंक पानी को पीना चाहिए। इफ फ्रेश एंड कवर्ड फूड। आपको क्या करना चाहिए, अच्छा साफ सुथरा और है ना शुद्ध, मतलब फ्रेश एकदम ताजा खाना खाना चाहिए। कवर्ड जो ढका हुआ। इट लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। आपको बहुत सारे फ्रूट्स, फल और सब्जियां खानी चाहिए। नेवर स्किप आवर मील्स एंड नेवर ओवर ईट। नहीं तो आपको ओवर ईट, मतलब आपको है ना ज्यादा भोजन नहीं खाना चाहिए। नॉट वेस्ट फूड। और नहीं आपको भोजन को वेस्ट करना चाहिए। तो ये आपके चैप्टर
कंप्लीट हो गया है फूड वाला चैप्टर फूड, और फूड हमारा प्रेजेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसका पिक मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आप सभी अपनी अपनी नोटबुक में होमवर्क करें। ओके,